बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में एक बच्चे को तैरने वाला पत्थर मिला। इस पत्थर पर श्री राम लिखा हुआ है। बच्चे के परिजन इसे रामायण काल से जोड़ रहे हैं। ये पत्थर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसकी पूजा करने के लिए बच्चे के घर पर पहुंच रहे हैं। कुछ खबरों की माने तो खंजरपुर निवासी विजय कुमार पासवान के 8 साल के बेटे ब्रिगेडियर पासवान को धोबी घाट के पास ये पत्थर तैरता हुआ दिखा। वो इसे उठाकर अपने घर ले आया। अब श्री राम लिखा हुआ ये पत्थर लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। इसे देखने और इसकी पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पासवान के घर पहुंच रहे हैं। कोई इसे प्रणाम कर रहा है तो कोई इसे भगवान श्री राम का आशीर्वाद समझ रहा है। बच्चे ब्रिगेडियर पासवान का कहना है कि जब वो दियारा जा रहा था तभी उसने धोबी घाट के पास इस पत्थर को तैरते देखा। उसने इसे बहुत डुबोने का प्रयास किया लेकिन ये नहीं डूबा। इस पर श्री राम लिखा हुआ है। ये पत्थर रामायण काल का बताया जा रहा है। ये वही पत्थर लग रहा है जिसका इस्तेमाल राम सेतु बनाने में हुआ था। बच्चे के पिता विजय कुमार पासवान ने बताया कि जब बेटा इस पत्थर को घर लेकर आया तो हम लोगों ने उसे पानी में डाला लेकिन ये पत्थर पानी में नहीं डूबा बल्कि तैरने लगा। उस पत्थर पर श्री राम लिखे होने के कारण लोग इसे पूछने के लिए पहुंच रहे हैं। वही वैज्ञानिकों की माने तो पत्थर एक स्पंज के समान होता है। ये खुरदरा होता है, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। इस पत्थर में हवा भर रहे होने के कारण इसका घनत्व पानी में कम होता है जिसकी वजह से पानी में तैरता है। हालांकि अभी इसकी जांच को लेकर आर्कियोलॉजी या सरकारी विभाग से कोई टीम नहीं पहुंची है। ये पहली बार नहीं है जब किसी बच्चे को श्री राम लिखा हुआ पानी में तैरने वाला पत्थर मिला हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है। अगस्त 2022 में कुछ बच्चों को ईशान नदी में राम नाम का पत्थर तैरता हुआ मिला था। बच्चे उस पत्थर को अपने गांव उठा लाए। ग्रामीण इसे चमत्कारी पत्थर मानकर उसकी पूजा अर्चना करने लगे। गांव के प्रधान ने जब पत्थर का वजन कराया तो ये 5 किलो 700 ग्राम का निकला। इसके बाद यहां के लोगों ने इस पत्थर को गांव के मंदिर में रखने और उसकी पूजा करने का फैसला लिया था।